हे माई क्यूट बेबी हर्ट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़, अभी बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, ये एसी की नॉइज़ है, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ ह्यूमिडिटी हो रही है ना, तो इस चक्कर में एसी अभी ऑन ही है। और मुझे लगा चलो वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। और ये रात को मैंने शूट करा हुआ था, समथिंग 12-1 बज रहा होगा क्योंकि मेकअप लुक्स मैं तभी शूट करती हूँ जब मैं मतलब थोड़ा सा सुकून से बैठी होती हूँ, तभी मोस्टली मैं मेकअप लुक्स शूट करती हूँ। तो स्किन केयर मेरा डन हो गया था, हेयर टाई कर लिए थे और लिप बाम लगा लिया था, थोड़ी सी चिटचैट भी करेंगे। और मेकअप तो आप देख ही रहे हो, हर वीडियो में देखते हो, तो प्राइमर लगा रहे हैं और इसके बाद फिर वही सिंपल से स्टेप, फाउंडेशन वगैरह, बीबी क्रीम वगैरह लगाएंगे तो स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है। ये रही शुगर की बीबी क्रीम है और ऐसा लग रहा था जैसे खाली हो गया है बिल्कुल ही, पता नहीं क्यों, बट अंदर क्वांटिटी थी, ऐसा लग रहा था ऊपर से बिल्कुल ही खाली था ये। उसमें मैंने इल्यूमिनेटर मिक्स कर लिया था शुगर का और काफ़ी इजीली ब्लेंड हो गया था यार, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। पता है मैं ना आधी अधूरी नींद में ये वॉइस ओवर शूट कर रही हूँ, मैं समथिंग 1-2 घंटे सोई हूँ, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसके बाद आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी और फिर से दोबारा से सो जाऊँगी। अब मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ, कंसीलर अच्छा लगा मुझे इनका, काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जा रहा था, ड्राई आउट नहीं कर रहा था। और मेरी आदत है अब, मतलब मैंने आदत बना ली है कि कंसीलर जहाँ पर मुझे ब्लेंड करना होता है ना वहीं पर लगाती हूँ, ऐसे उसे लगा के नहीं छोड़ देती, क्योंकि पता है फिर वो ना ड्राई होने लगते हैं कंसीलर, बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं। बट ये कंसीलर मुझे अच्छा लगा और इनका जो शुगर पॉप के प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी न्यू किट बनाना तो आप बना सकते हैं। कुछ मैंने शुगर के कॉस्टली प्रोडक्ट भी यूज करे हैं, बट जो शुगर पॉप के हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनका हॉल वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने मेकअप लुक करा, अरे यार मैंने तारीफ़ ही नहीं करी, ये मेकअप लुक मैंने करा है मनीषा रानी का, जो कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल में देख कर ही। और गजब बात यह है, वो है #OnePiece, मुझे इतनी पसंद आई है ना वो, मतलब लिटरली यार कितनी क्यूट हैं, और उनकी बात करने का ढंग, उनकी अदाएँ, और कैसे मतलब सबको हंसाती हैं यार, पूरा घर उन्होंने, मतलब यार घर क्या हो, पूरी दुनिया ही हंसा रखी यार सबको, मतलब इतना पागल हुआ पड़ा है उनके लिए। तो मेरे को ये वाला लुक इनका इतना अच्छा लगा था, ब्लू साड़ी वाला, और इतनी सारी रील्स बनी थी ब्लू साड़ी वाले लुक में, मैंने कहा क्यों ना क्रिएट किया जाए यार। अब उनके जैसा मेरे पास ब्लाउज नहीं था, जो भी उन्होंने टॉप या ब्लाउज पहना हुआ था, तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उससे कर लिया है लुक। तो गाइस अब देख रहे हैं, मैं आँख में ना हमेशा हाथ से ऐसे साफ करती हूँ ताकि क्रीज लाइन ना, उसके बाद में पाउडर लगाती हूँ। तो ये किट भी मेरी न्यू है, वही मैं आपको दिखा रही थी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी मनीषा रानी। तो गाइस पता है मैं बिग बॉस भी ना उनकी वजह से देख रही हूँ, वो तीनों यार कितने मस्त लग रहे हैं, फुकरा इंसान और एल्विश और मनीषा रानी, आए हाय क्या मस्त लग रहे हैं यार, बहुत ही अच्छा उनका बॉन्ड है आपस में, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मुझे मतलब बिग बॉस उन्हीं की वजह से सीरियसली अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ वहाँ पर कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है जिस वजह से बिग बॉस अच्छा लगे। यार मनीषा ने तो पूरा घर अपने मतलब घुमा रखा है यार चारों तरफ, #OnePiece तो कह सकते हैं यार मुने। तो गाइज इसीलिए मेरे को ये मेकअप लुक करने का मन था और मैंने कर लिया। वो साड़ी ने कितनी सुंदर लगती है यार, मतलब अभी उन्होंने रेड वाली साड़ी पहनी थी, मेरे को लगा यार मैं पता मुझे मिल भी नहीं रहा था यार, मतलब जो उन्होंने ब्लाउज पहना था ना उस टाइप का ब्लाउज नहीं मिल रहा था, अदरवाइज मैं वो वाला लुक भी कर लेती, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप देख सकते हैं उनकी आइज़ में ना थोड़ा सा पिंकीनेस दिख रही थी नीचे भी और ऊपर भी, ज़्यादा नहीं शो ऑफ हो रहा था, तो मैंने उसी एरिया में पिंक करा जहाँ जहाँ मुझे शो हो रहा था उनकी आइज़ में। तो उस हिसाब से मैंने उनके हिसाब से लाइट मेकअप करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्लश वो कम लगाती हैं, हाइलाइटर बहुत लगाती हैं, इतना भी बहुत नहीं, मतलब काफ़ी लगाती हैं, क्योंकि उनका फेस ना हमेशा हाईलाइट करता है, एक अलग ही ग्लो है, अब वो भगवान जाने नेचुरल ग्लो है या फिर हाइलाइटर का ग्लो है तो ये तो मैं नहीं कह सकती, इसलिए मैंने हाइलाइटर लगा लिया ताकि मेरा फेस भी हाईलाइट करे। और आईब्रोज तो बहुत अच्छे से फिल करती हूँ, आईब्रोज मैंने फिल कर ली थी, आईब्रोज बनवाई नहीं यार मैंने, इतनी मोटी हो गई है ना, जंगल हो गया आईब्रोज का। चलिए मस्कारा की बारी है, मस्कारा के लिए तो मैं पागल ही हूँ यार, मुझे सारे ही दुनिया के मस्कारा बहुत पसंद है ट्राई करना, और ये मस्कारा भी मुझे अच्छा लगा एकदम, बहुत ही अच्छा नहीं है बट अच्छा लगा मुझे
मुझे अप्लाई करने पर, आप देख सकते हैं एक एक आईलैश ना इसने सिंगल सिंगल कर दी थी, इतना मतलब अच्छा था ये। और पर हैवी नहीं लग रहा था मुझे आँखों के ऊपर कि मैंने बहुत ही कुछ हैवी लगा रखा हो। और दो लिपस्टिक मुझे मिक्स करनी पड़ी उनका जैसा लिप्स शेड बनाने के लिए, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा कैमरे में थोड़ा सा डार्क हो गया। फेस तो रेडी है, चलिए कपड़े चेंज करके आते हैं और झुमके उनके पहन लेते हैं उनकी तरह। तो आप देख सकते हैं ये रहा फाइनल लुक, आप लोग वीडियो को एंजॉय कर लीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू।